कांग्रेसी लीडर सीपी जोशी का एक वीडियो मंजर आम पर आया है। इस वीडियो में सीपी जोशी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के लीडरान मजहब के नाम पर सर्टिफिकेट तकसीम कर रही है, यानी कि वो जिसे हिंदू मानेंगे वही हिंदू होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लीडर हमें हिंदू मजहब की सर्टिफिकेट न समझाएं। उन्होंने कहा कि सिर्फ पंडित और ब्राह्मण ही मजहब की असलियत से वाकिफ हैं। आप दर्शन करने चलो, आप माता जी के दर्शन करो, वहाँ करने के बाद ही आया हूँ। तो मैं कांग्रेसी हूँ, मैं हिंदू हूँ, पर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कांग्रेसी नहीं मानते ही, कांग्रेसी तो मुसलमानों की बात ही करते हैं, कांग्रेस तो हिंदू बात ही नहीं करते हैं। समझाओ मेरे को, ये सर्टिफिकेट देने वाले आदमी कौन है? ये कौन सी विश्वविद्यालय खोला है इन्होंने? जिस विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट देंगे हम सर्टिफिकेट देंगे तो आप हिंदू, और हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हिंदू नहीं। अरे यहाँ बैठे हुए मिसेमा के आदमी, उमा भारती की क्या जात है मालूम है किसी को? ऋतुमरा जी की क्या जात है मालूम है क्या? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित कौन कहते हैं, ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझते नहीं, 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई, नई अकल शुरू हो गई। ये नए नए सिरे से देश में लोगों को गुमराह करने का काम है। और राज और धर्म दो अलग अलग चीज है।